हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव रेसिपी जरीना डॉट इन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आलू से बनी हुई एक नई डिश लेकर आई हूँ, पटैटो लॉलीपॉप, जिसे आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं। तो चलिए हम इस बात करते हैं उसकी सामग्री के बारे में। पटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए हमने 4 से 5 आलू उबाल लिए हैं, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक प्याज ली है जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, ये हमने कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच ले लिया है, सीजनिंग आधा चम्मच, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 3 ब्रेड्स के हमने ब्रेड क्रम्ब बना लिए हैं। सबसे पहले हम इन आलुओं को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू अच्छे तरीके से ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज मिलाएंगे, धनिया पाउडर, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक और इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स मिला लेंगे। इसके बाद इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। ये कॉर्नफ्लोर हमने ले लिया है, इसमें हम पानी मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने पानी का घोल बना लिया है। इसे भी हमने साइड में रख दिया और अब हमने ये ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, इसमें हम ये सीजनिंग और चिली फ्लेक्स मिलाएंगे, इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम पटैटो लॉलीपॉप बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने हाथों को तेल से ग्रीस कर लूँगी। इस तरह से आप अपने हाथों पर तेल लगा लें। इसके बाद थोड़ी सी मात्रा आलू के मिक्सर में से उठाएं और इस तरह से उन्हें गोल गोल बना लें। इसके बाद कॉर्नफ्लोर के पानी में हम इसे डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स लपेटने के बाद भी हम एक बार इसे अपने हाथों से इस तरह से गोल गोल कर लेंगे, जिससे सारे ब्रेड क्रम्स आराम से अच्छे से चिपक जाएंगे और इसे साइड में रख देंगे। इसी तरह से हम और आलू का मिश्रण लेंगे। अब हमारे लॉलीपॉप बनकर तैयार हैं, इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया है। अब हम इन लॉलीपॉप को फ्राई कर लेंगे। पहले हम एक लॉलीपॉप डालेंगे, ये देख सकते हैं आप, तेल फ्राई हो गया है। अब हम बाकी के भी लॉलीपॉप डाल लेंगे। एक साइड से सिकने के बाद अब हम इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, लॉलीपॉप दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पर इन्हें निकालेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। लॉलीपॉप हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें टूथपिक लगा देंगे। इस तरह से हम इसमें टूथपिक लगाएंगे और फिर इन्हें हरी चटनी या फिर सॉस के साथ में सर्व कर लेंगे।